नमस्कार दोस्तों, आज अब एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 25 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनका कहना ये है कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, तो आगे क्या फ्यूचर दिखाई देता है, क्या हमें समझ आता है इनके हाथ में, देखते हैं। और भी कई सारे इनके क्वेश्चन हैं, तो चलिए आइए देखते हैं क्या फोकस क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके हाथ में देखेंगे यहाँ पर, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये रेखा यहाँ पर, ये देखिए कुछ डिस्टरबेंस मुझे शो लगता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर कोई मुझे चेंज भी नहीं लग रहा, ये मेन चीज़ मुझे दिखाई देती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए रेखा बिल्कुल साफ स्वच्छ इस तरह से जानी चाहिए, डिस्टरबेंसेस नहीं होने चाहिए। ये देखिए डिस्टरबेंसेस हैं यहाँ पर, ये इस तरह से ये लाइन चेंज होने की, यानी कि आप अपना फील्ड चेंज करोगे, आप अपने कमाने का ज़रिया चेंज करोगे। दूसरा इन्होंने पूछा था कि एक इनके सिर में दर्द रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये रेखा इस तरह से जोड़ ले रही है। तो ये भी माइंड, जब मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जोड़ लेती है या बीच में से टूटना और उसका इस तरह से निकलना, ये कहीं ना कहीं सिर में दर्द करवाती है। यानी कि मस्तिष्क रेखा का सीधा जो कनेक्शन है वो मस्तिष्क से है और ये जोड़ कराती है। परंतु ये प्रॉब्लम इनकी थोड़े टाइम बाद सॉल्व होगी और इसका उपाय भी मैं इनको दूंगी। ये देखिए यहाँ से ये एक तरह से स्मूथ नहीं है। तो ये देखिए, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं माइंड का डाइवर्जन भी दिखाती है, सोचने का तरीका बदलना, सोच बदलना, ये चीज़ भी दर्शाती है। माइंड में कई बार क्या होता है, जब आप ज़्यादा टेंशन लेते हो और माइंड लाइन इस तरह टूटी हुई हो, तो वो सिर के दर्द का कारण भी बनती है कि एक तो काम नहीं बन रहा, दिन रात हम परेशान हैं, हम दुखी हैं और हमारा काम क्यों नहीं बनता, इसलिए सोच सोच के भी ये परेशानी डेवलप होती है। अब यहाँ पर देखें हाथ में, तो मुझे हाथ में ये देखिए इस तरह से रेखा चल रही है, ये यहाँ पर इस तरह से आइलैंड के चिन्ह देखते हैं। जब भी आइलैंड का चिन्ह होते हैं, इंसान के जीवन में परेशानी सी महसूस करता है, ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए हैं लाइफ में, हमें कोई राह नहीं दिख रही, हम परेशान हैं, हमें कोई जैसे होता ना बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, कोशिशें पर कोशिशें करे जा रहे लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, इस तरह की प्रॉब्लम होना, गुरु पर्वत दबा हुआ है इस तरह से। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ऐसे में सरकारी जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी मैं इनको उपाय दूंगी जिससे कि ये जो मेहनत कर रही हैं उसमें इन्हें सफलता मिले। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डिस्टर्बेंस एक हमें दिखा, यहाँ पर कोई नयापन भी नहीं दिख रहा हमें, तो सरकारी जॉब के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लो दिखते हैं इनके हैंड में। अब इनके अगर हम हाथ में देखें तो सुंदर सा अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है, स्क्वायर्ड पाम है, ये देखिए इस तरह का स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम इस तरह का स्क्वायर्ड होता है, इंसान के जीवन में चीज़ें देर से आती हैं, यानी कि उसका परिश्रम ज़्यादा लगता है, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन चीज़ें देर से शुरुआत होना, देर से चीज़ों को आना, मनचाही चीज़ें देरी से मिलना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर अगर मैं इनके हाथ में देखूँ तो ये इस तरह की रेखा बन रही है, ये इस तरह का ट्रायंगल बनना। इंटरनल पोजीशन सॉलिड है इनकी, फैमिली सपोर्ट सॉलिड है, फैमिली कंडीशन सॉलिड है, लेकिन ये देखिए बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है, थोड़ा खुला हुआ है तो खर्चे लगेंगे, बैंक बैलेंस जीवन में अच्छा बना लेगी ये इनके। ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही लगेगी तभी बात बनेगी, सरकारी नौकरी नहीं भी लगेगी तो भी ये कुछ ऐसा काम करेंगी जहाँ पर इनको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी रुतबा मान सम्मान मिलेगा। और भी मैं चीज़ें इनके हाथ में दिखाऊंगी। अब इनका क्वेश्चन था शादी से रिलेटेड, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब इनके हाथ में पहले हम चलते हैं, ये देखिए भाग्य रेखा हम देखेंगे। ये भाग्य रेखा पर जो मुझे चेंज दिखता है वो 30 वर्ष के आसपास दिखता है, कोई दूसरा क्षेत्र पकड़ना, इस तरह की चीज़ें ये देखिए। और अगर मैं देखूं तो थोड़ा 42 के आसपास भी ये कुछ और नया शुरू करेंगी, इस तरह की चीज़ें। तो 30 के आसपास से इनका और बेटरमेंट, 28-30 के आसपास से इनके लाइफ में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का आना होगा, वो बेटरमेंट करवाएगा। अब भाग्य रेखा देखें तो यहाँ तक अच्छी खासी चली, उसके बाद देखिए ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं इनकी भाग्य रेखा एकदम सीधी यहाँ तक जाती है, क्योंकि आगे पेंशन का सुख भी उठाते हैं। पर अब अगर पेंशन के सुख की भी बात करें तो ये देखिए यहाँ तक 58 तक आके रुक रही है, तो इसलिए और भी मुझे थोड़ा योग कमज़ोर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेखा अलग आ रही है, ये भी कुछ ऐसा इंडिकेशन देती है कि 35 के आसपास कुछ और कहीं पैसा इन्वेस्ट करना और जो ग्रोथ लेना, हो सकता है कि ये कहीं पैसा लगाएं या कुछ और काम करें जिससे इनको अच्छी इनकम के योग बने। अब यहाँ पर हाथ में देखें तो
ये जैसे मैंने बताया यव के चिन्ह ये डिस्टरबेंस लेकर आते हैं लाइफ में, परेशानी खड़ी करते हैं। इंसान ऐसे में अगर शादी कर ले तो इंसान का गृह जीवन में भी दिक्कतें आती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, पेरेंट्स का साथ ना मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इंसान को क्या होता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हर जगह से डांट खाना, हर जगह से इंसल्ट फील करना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। हर ये सब दिक्कतें इंसान के जीवन में शुरू हो जाती हैं और इंसान सोचता है मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मेरे जीवन में दिक्कत है। तो इन्हें अभी शादी का थोड़ा सा रोक देना चाहिए, इनको थोड़ा सा 2 से 2.5 साल के बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर देखें ये जो समय है ये 28 के बाद चीज़ें प्लीजेंट हो जाएंगी। ये देखिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिखती हैं, 28, 30, 32 इस तरह से मुझे दिखाई देती हैं। आगे भी देखें तो ये 35 के आसपास और दिखता है, 38 से 40 के बीच इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। तो ये चीज़ें स्मूथ साफ साफ चलेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत जो है वो अभी की है, अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स की। अब इनकी मस्तिष्क रेखा को भी देखें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर जैसे मैंने बताया डिस्टर्बेंस लेना, लाइंस का बदलना, चीज़ों का बदलना, आप सोच कुछ और रहे, लाइफ में हो कुछ और रहा है आपके साथ पे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है, आप किस्मत में कुछ और लिखवा के लाए हो, इसलिए आपको आपकी पसंद, देखिए पसंद की चीज़ें नहीं मिलती। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये। लेकिन अगर मैं उसके बाद देखूँ जीवन साफ स्वच्छ है, कोई ऐसा काम करेंगी जिसमें इनकम बहुत ज़्यादा होगी, इनकम काफ़ी बढ़िया है, पैसे रुपए की दिक्कत नहीं आती ऐसे लोगों को। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, ये देखिए ये जो लाइंस है ना ये स्क्वायर टाइप फॉर्मेशन भी दे रही हैं। तो तकरीबन 35 के आसपास तो आते आते बहुत अच्छा पैसा कमा लेना और आगे भी जीवन में सुख सुविधा के साधन बनाना। हार्ट लाइन देखिए ये इस तरह की चल रही है, ये हार्ट लाइन बहुत बड़े दिल का स्वामी बनाती हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं। ऐसे लोगों के मन में जो है लव मैरिज करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, परंतु इनके परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, परिवार वाले लोग कहेंगे कि नहीं हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से काम करो, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए यहाँ से रेखा का भाग्य रेखा को जोड़ना, माता बहन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना, तो ये सब चीज़ें होता है, लेडी सपोर्ट बहुत ज़्यादा जीवन में मिलना। और इनका अगर हम यहाँ से देखें तो एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ फाइनेंशली साउंड होते हैं ऐसे लोग, बचपन बहुत अच्छा बीतता है ऐसे लोगों का। ये देखिए चंद्रमा से रेखा का निकलना, ये कोई ना कोई दूर रह के तरक्की दिलवाना, दूर रह के फॉरेन कंट्री से कई बार होता है MNC में काम करके पैसा कमाना, ऐसा कुछ चीज़ें भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से भी एक रेखा इस तरह से जा रही है, और अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ पूरा ये नीचे तक, ये बहुत जल्दी कोई नेम फेम सक्सेस पाना, जैसे कई बार होता है कि आप अपनी फैमिली में अच्छे एजुकेटेड हो, अच्छा जॉब करने लगे, आपको बहुत अच्छी उपलब्धि मिलने लगी, तो इस तरह का नेम फेम का भी सीन बनता है। अब यहाँ पे तो हमें ये सब चीज़ें दिखती हैं, चंद्रमा का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, चंद्रमा इनको कहीं दूर अपने बर्थ प्लेस से दूर तरक्की कराएगा, दूर सिटी से तरक्की करवाता है। कई बार फॉरेन कंट्रीज से तरक्की कराना, ऑनलाइन वर्क से तरक्की कराना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ट्रैवलिंग का क्षेत्र जैसे ट्रैवल्स बहुत कराना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे हाथ में। यहाँ पर देखें ये देखिए ये इस तरह से लाइन चल रही है, थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल है लेकिन बाद में लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। इनकी मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ डिसीजन, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रही है, आप चाह कुछ और रहे हैं, डेस्टिनी में लिखा कुछ और है। अब चलते हैं इनके हाथ में जो है उंगलियों की ओर, देखें इनकी उंगलियाँ क्या बताती हैं। यहाँ पर देखिए ये उंगली एकदम इस तरह की झुकाव ले रही है, भगवान में आस्था, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखें तो ये दोनों उंगलियों में सूर्य की उंगली लंबी है, अपने टैलेंट अपने स्किल्स पे आगे बढ़ना। ये देखिए गैप भी है, ये गैप जब भी इस तरह का आता है तो इंसान खर्चीले स्वभाव का भी होता है। छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, ऐसे में टैक्टफुल होते हैं, एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, सोच समझ के कार्य करना, चीज़ों की डेप्थ में जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब अगर मैं हाथ में देखूँ यहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप है, इंसान जीवन में चाहता कुछ है मिलता कुछ और है, इस तरह की चीज़ें दिखना।
यहाँ पर देखें तो बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, अपने लेसन से बहुत कुछ लर्न करते हैं जीवन के इवेंट से। होता क्या, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना, इंसान को व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये ऐसे लोग बहुत समझदार हो जाते हैं जल्दी अर्ली एज में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एक अगेन चक्र का निशान मुझे दिखता है, ये देखिए ये, और ये कुछ इस तरह से कवर भी हो रहा है। तो ये जो निशान है इंसान को जीवन में अच्छी तरक्की कराता है, इनके जीवन में लेटर सक्सेस आती है, 32-35 पर जाके लगेगा कि हाँ मेरे जीवन की गाड़ी अच्छी चलने लगी, अच्छी सक्सेस मेरे को मिल रही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये उलन लूप बनता है। जब भी इस तरह का उलन लूप बनता है इंसान के जीवन में, होता क्या है कि ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। ऐसे लोग जीवन में क्या होता है कि इमोशनली अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये देखिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका अच्छा होगा, रुपये पैसे को कैसे रख रखाव करें, कैसे बढ़ाएँ, कैलकुलेटिव होंगी ये। लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये लूप इन्हें इमोशनली किसी को पैसा ना दें, इसको अगर देंगी तो लौट के नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए हाथ में, ये देखिए फिंगर में, ये इस तरह की इंसान के जो जीवन में जो भी इसके ड्रीम्स होते हैं, जैसे घर बनाना, जिस लेवल का रुपया पैसा ओहदा चाहिए, वो सब पूरे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये थोड़े कट्स मुझे देखते हैं, ये सूर्य का कमज़ोर होना, यही कारण है कि गवर्नमेंट जॉब का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोग का अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी जाए ना तो कहीं ना कहीं कारणों से छोड़ना पड़ जाता है, कोई ना कोई कारण ऐसा आएगा जिसकी वजह से उनको परेशान होकर चीज़ों को छूट जाएंगी, ये चीज़ दिखती है। अब इनके हाथ में अगर मैं देखूं तो चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह के गोल घुमाव हमें दिखते हैं जीवन में, डबल लूप दिखते हैं जीवन में, ट्विस्ट एंड टर्न्स का आना। ऐसा लगेगा इन्हें सोचा कुछ और, चाहा कुछ और, गए कहीं और, इस तरह का। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि एट एंड ऑफ द डे आपको कुछ बेटर हासिल हुआ, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा स्टोर है जो बेटर होगा आपकी लाइफ के लिए, तो वो सब चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो विल पावर का क्षेत्र बहुत अच्छा है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। ये देखिए यव का चिन्ह, ये एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाता है और इंसान को एक कहना चाहिए कि उसके ड्रीम डिज़ायर फुलफ़िल भी कराता है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना, एक अच्छे कहना चाहिए कि डिज़ायर्स, एक अच्छे ट्रैवलिंग के इंडिकेशंस इनके हाथ में दिखाई देते हैं। अब अगर अंगूठे को देखें तो बहुत ज़्यादा पीछे की ओर नहीं मुड़ता, ऐसे में इंसान जो है बहुत एक होता है सोच, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है, मुझे जो जो मैंने सोचा है मुझे करना है तो करना है, चाहे आंधी आए तूफान आए मैं करके दिखाऊंगी, इस तरह की सोच। अब देखिए ये जो है इनकी मन में करियर ओरिएंटेड हैंड है, ये करियर बनाना चाहती हैं, इसलिए हम इनका राइट हैंड देख रहे हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में फिंगरप्रिंट्स में हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर इस तरह का रेडियल लूप है, जब भी इस तरह का रेडियल होता लूप होता है, हर काम में परफेक्शन पसंद करते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को होता है कि नहीं, मुझे जो मैं काम कर रही हूँ परफेक्टली होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ वही जीवन में होना चाहिए, ये चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है इन्हें। ये देखिए किसी के लिए अच्छा काम करा उसके बावजूद भी तारीफ ना मिलना, बुराई मिलना। ये देखिए ये इस तरह का उलन लूप है, जैसे हमने राइट हैंड में चक्र का निशान देखा था, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को जीवन में अपने एक्सपीरियंस से सिखाना, और एक होता क्या है कि जो प्रॉब्लम्स जीवन में आती है, देखिए कई बार डाइवर्जेंस मिलते हैं इनको लाइफ में, कि सोचा कुछ और, चाहा कुछ और, मिला कुछ और, इस तरह की चीज़ें ये थोड़ा सा होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य हमें अगेन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का ये पीकॉक साइन है, सक्सेस देरी से लेकिन अच्छी सक्सेस, ये इंडिकेट करता है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की है उलन लूप, हमने हाथ में भी वही देखा था राइट हैंड में, तो ये अगेन आपको जीवन में काफ़ी, जैसे कि स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, कैलकुलेटिवनेस इनके अंदर जो है, मनी कैलकुलेशन ज़्यादा मिलता है, मनी को और मैं अपनी ग्रोथ के लिए क्या करूं, परंतु फिर भी कई बार ये इमोशनली काम ले लेते हैं जिसकी वजह से कई बार इनको सफ़र करना पड़ जाता है। अब चलते हैं इनके हाथ में इनके अंगूठे की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरह का
इनका उलन लूप है। ये बताता है इंसान के जीवन में, जैसे कि इंसान अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपने भाई बहन माता पिता इन सब से बहुत लगाव रखना। यहाँ पर देखिए अगेन ये आइलैंड का चिन्ह है, दोनों हाथों में आइलैंड का चिन्ह कोई मामूली चीज़ नहीं होती। ये इंसान के जीवन में एक कहना चाहिए एक अच्छा मान सम्मान रुतबा, एक पेरेंट्स का नाम रोशन करना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए विल पावर अगेन स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी है। ये देखिए ये छोटे छोटे डिस्टर्बेंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनका डिस्टर्बेंस इनके जीवन में आना। तो अगर हम दसों उंगलियों का समावेश निकालें तो हमें इनके हाथ में देखिए चक्र मिला हमें, हमने देखा कि जो शनि की फिंगर पे राइट हैंड पे चक्र था एक, हमने जो अगर हम देखें हाथ में तो हमें उलन लूप पिकॉक साइन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिली, रेडियल लूप भी देखने को मिला। तो ऐसे में इंसान जो है जीवन में देखिए मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आप चाहते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है और हो कुछ और रहा है, तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परंतु जीवन में अगर हम देखें जो सूर्य के पर्वत पर राइट हैंड में हमने चक्र का निशान देखा था तो वो इनको तरक्की अवश्य दिलाएगा। इनका अभी मैं दिखाऊंगी लेफ्ट हैंड से कहीं ज़्यादा अच्छा राइट हैंड है, ये अपने करियर में बहुत अच्छी पोजीशन पावर बना सकती हैं और बनाएंगी भी। अब आते हैं इनके हाथ में पर्वतों की ओर, देखें पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गुरु पर्वत डाउन है एकदम, ये गाइड मेंटर की कमी कराता है। होता क्या आपके जीवन में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा, आपके जीवन में होता क्या कि कोई अपने से बड़ा नहीं होता कि जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, ये सब प्रॉब्लम, अकेलापन महसूस करना, जीवन में ऐसा लग रहा है हर चीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर ये लूप इस तरह का अगर हम देखें तो ये एक जो गुरु वाला बना हुआ है तो ये रिंग ऑफ सोलोमन, तो ये क्या करता है कि इंसान को धार्मिक कार्यों में बड़ा मन लगता है। कई बार ऐसे लोग एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को लगता है कि मैं लोगों की भलाई के लिए क्या कर दूँ। और यहाँ पर भी देखिए हृदय रेखा इस तरह से आ रही है ये, तो ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग लेकर आती है, ये आगे भी जीवन में इस तरह के कार्य करना पसंद करेंगी और इनका मन इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लगा रहेगा। ये देखिए ये और गुरु पर्वत दबा होने के कारण देखिए कई बार शादी डिले भी होती है, अकेलापन महसूस करना, ये थोड़ा सा चीज़ें या परिवार से सपोर्ट कम मिलना, ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ हाथ में, ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ तक आ रही है और ये एक त्रिशूल नुमा निशान इस तरह से बन रहा है, ये काफ़ी बढ़िया है। ये ओल्ड एज लग्जूरियस बनाती है, ओल्ड एज में अच्छे सुख सुविधा के साधन इनके पास रहते हैं। एक और चीज़ ये देखिए एपेक्स का चिन्ह बहुत बढ़िया है, एपेक्स का चिन्ह जब भी आता है इंसान अपनी नॉलेज पर टाइम टू टाइम वर्क करता है। ये देखिए ईश्वर शक्ति का हाथ होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए सूर्य का पर्वत इनका फ्लैट है यहाँ पर, ये मैंने बताया था सूर्य रेखा अच्छी लंबी है इनकी, और ये ऐसे कार्य करेंगी जीवन में कि जिससे इनको अच्छी नेम फेम भी मिलेगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन दिखता है मुझे इस तरह से, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का साइन मिलना, ये तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक अच्छी, जैसे मैंने कहा नेम फेम सक्सेस ज़रूर मिलेगी इन्हें, नेम फेम सक्सेस अच्छी करवाता है ये। और ऐसे लोग की देखिए एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है, देखिए एजुकेशन दो फील्ड की एजुकेशन दिखती है, ये देखिए ये इस तरह का ये लूप होता है। ऐसे लोग जॉली नेचर्ड होते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छा हंसी मजाक करना, जॉली नेचर्ड होना, ये सब चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर ये बुध पर्वत बहुत अच्छा है, बुध पर्वत पोलाइट बनाता है, लोगों से बातचीत करने की कला, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा होना और विटी स्वभाव का होना कि कब किसको कैसे जवाब देना है या क्या अगर हमें उसको कैसे आंसर करना है, इस तरह की कला बहुत अच्छी बताता है और लोगों से जल्दी व्यवहार में घुलना। अब ये देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत इनके मीडियम है, मंगल पर्वत मीडियम होते हैं, ऐसे लोग अब ज़्यादा जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करना पसंद करते, गुस्से को इनफैक्ट पीते हैं और इनको लगता है कि क्यों किसी से अड़ाअड़ी करी जाए, बेकार जो है अपना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। और इनके मन में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रहती हैं कि अगर हम बेमतलब तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहें, बेमतलब क्यों लड़ें, जियो और जीने दो। चंद्रमा इनका बहुत अच्छा है, मुझे चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कहीं दूर जाके इनको तरक्की के योग ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। ये देखिए चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा फ्लफी है ये, तो ये यात्रा के योग, दूर जाने की यात्रा के, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। इनको कोई ऑनलाइन वर्क्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पे इनको अच्छी पब्लिसिटी भी मिले, अच्छा पैसा भी मिल सकता है। अब यहाँ पर देखें
ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन इनको बहुत लुभाता होगा। थोड़ा सा पर्वत पे देख के लगता है कि जैसा होता है ना कई बार कि मन की इच्छाएं पूरी नहीं होना, अधूरी रहना, कि भाई अगर थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं अपने लिए पता नहीं क्या ले आऊँ, मैं अपने लिए ये कर लूँ, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं इनके हाथ में। अब देखिए ये तो था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर कि लेफ्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा ट्रायंगल भी है, तो ये तकरीबन जैसे 55 से लेके 65 तक में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स भी करा सकता है ये इनको। अब देखिए हाथ में मैरिज की लाइन देखें तो ये देखिए और एक स्क्वायर भी मुझे दिखता है, एक अच्छे घर परिवार में शादी होना थोड़ा परंतु लेट मुझे दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर भी मैरिज की लाइन अच्छी है, ये देखिए ये थोड़ा सा कई बार ये कुछ अफेयर या इन्फैचुएशन की लाइन मुझे दिख रही है, किसी का थोड़ा इंटरफेरेंस दिखता है। मैरिज के योग 28 वर्ष से 30 वर्ष के आसपास बनते हैं। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें यहाँ पर ये देखिए गुरु पर्वत यहाँ भी दबा हुआ है, अकेलापन ज़्यादा होना जीवन में एपेक्स का चिन्ह है जो इनकी नॉलेज अच्छी बढ़ाता होगा। ये देखिए ये वाले इस तरह से ये धार्मिक भावना देता है कि भाई धर्म के काम करना। अगर यहाँ पर देखा जाए हाथ में तो शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में टेंशन होना, मन में दिक्कतें होना, ये एक लूप मुझे दिखता है, ये वर्कहोलिक बनाता है काफ़ी, जैसे मेहनती होते हैं इंसान वो चीज़। और यहाँ पर देखें अगेन इनके हाथ में ये इस तरह की चीज़ है एपेक्स करियर में राइज करना, ये चीज़ अगर मैं देखूँ इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा का आना, ये पूर्व पुण्य रेखा मुझे दिखती है, अगेन एक लूप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये जॉली नेचर बनाता है जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा। और अगर इनके हाथ में देखें ये अगेन ट्रायंगल का सिंबल है, अच्छा नेम फेम देना। एक चीज़ और मैं इनके हाथ में दिखाऊंगी, ये देखिए ये बुद्ध की रेखा, अच्छे सलाहकार बनते हैं ऐसे लोग, कोई अपना काम भी कर सकती हैं। ये देखिए चंद्र से रेखाएं निकलना, ये ऑनलाइन वर्क इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। भाग्य रेखा देखिए अगेन यहाँ पर डिस्टर्ब है, तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का होता है मीनिंग कि एक बार जो लगी जो सीधा 60 पे जाके रिटायर हुए, वो चीज़ के इंडिकेशंस इनके हाथ में नहीं दिखते। चीज़ों का फील्ड बदलना वो भी इंडिकेट करता। और ये देखिए ये लाइन ऑफ कंसल्टेंसी भी, अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं ऐसे लोग, अच्छे सलाहकार, कोई अपने काम करने की इच्छा, ये सब चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए मंगल पर्वत अगेन इनका अच्छा है, ये देखो जियो और जीने दो। और ये क्या है कि थोड़ा सा अंदरूनी मंगल दबा होने के कारण कई बार जल्दी घबरा भी जाती होंगी। चंद्र पर्वत अच्छा, देखिए लाइन ऑफ ट्रेवल्स दिखता है मुझे, ये चीज़ें सब, ये ऑनलाइन वर्क से पैसा आना। अब ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी इनको, ये देखिए ये दो तिल हैं इनके हाथ में, ये जो तिल होता है अगर किसी फीमेल के हाथ में हो तो उसको किसी मेल से हानि होने की वो रहती है, या बदनामी या घर में कले की वजह बनना। ये एक ससुराल पक्ष से कई बार इंटरफेरेंस दिलवाता है। अब देखिए इनके हाथ की रेखाएं मैं बताती हूँ, ये देखिए ये इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे, ये परेशान रहती होंगी, दिन रात सोचना, ओवर थिंकिंग, देखिए यहाँ मस्तिष्क रेखा पर भी ये चीज़ दिख रही है, ये देखिए ये, और यहाँ पर ब्रेक, ये ओ, ये देखिए आइलैंड का चिन्ह, तो ये सब परेशानी लेकर आते हैं, ये सब दिमाग में दिन रात टेंशन, दिमाग में सोचा विचारी करना, पूरे टाइम एक ही बात सोचते रहना, फंसा हुआ महसूस करना कि मेरा तो कोई काम ही नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से बाहर निकलूँ चीज़ों से, कैसे कैसे करूँ, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम ये देखिए यहाँ पर ये। लेकिन जैसे ये समय निकला ये देखिए अपने आप चीज़ें सुधार लेंगी, 28 के आसपास आते आते अपने आप चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, अपने आप काम बनने लगेंगे। ऐसे यहाँ पर भी ये देखिए ये समय जैसे ही निकला एकदम अपने आप स्मूथ साफ़ स्वच्छ चीज़ें होने लगी। हृदय रेखा देखिए, बातों को कई बार दिल पे ले लेना, या कई बार होता है कि लोग इन्हें उल्टी सीधी सुना के जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखिए, डार्कनेस हो रही है, रेडनेस आना रेखाओं में, तो
ओवरऑल अगर मैं देखूं हाथ बहुत अच्छा है, ब्लेस्ड हैंड है, लेकिन जो हमें योग चाहिए स्ट्रॉन्ग, वो मुझे कमज़ोर लगते हैं सरकारी नौकरी के लिए। इनके हाथ में मुझे लगता है अच्छी सलाहकार बन सकती हैं, ऑनलाइन वर्क्स कर सकती हैं, इनके पास और भी बहुत मतलब ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल रहेंगे, ये जीवन में बहुत कुछ अपना अलग करेंगी। सरकारी नौकरी अगर इनकी लग भी जाए तो ये इनको ये चला नहीं पाएंगी ज़्यादा समय, कोई ना कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आएगी जिसकी वजह से इनको छोड़नी पड़ जाएगी, ये मुझे इनके हाथ में देख के लगा। तो लेकिन ये ऐसा कुछ करेंगी जहाँ पर इनको पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा, जो काम इनको मान सम्मान रुतबा भी देगा, इनको आगे जीवन में अच्छा फ्यूचर भी मिलेगा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। घर से दूर रह के कमाना, फीमेल सपोर्ट ज़्यादा मिलना, ऑनलाइन वर्क्स करना, इस तरह की चीज़ें मुझे इनके हैंड में ज़्यादा दिखाई देती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दिक्कत परेशानी है वो दूर हो, इनके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, इनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।